हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिका आज आपको बताने वाली हूँ कि पड़ोस में रहने वाली भाभी को कैसे पटाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पड़ोस में रहने वाली भाभी को पटाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि हर लड़की की पसंद और चॉइस ना अलग अलग होती है। कुछ लड़कों को भाभी को ही पटाने में अच्छा लगता है, उनसे रिलेशन बनाना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ कि पड़ोस में रहने वाली भाभी को कैसे आप आसानी से पटा सकते हो। इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आइए जानते हैं कि पड़ोस में रहने वाली भाभी को कैसे पटाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पड़ोस में रहने वाली भाभी को पटाना चाहते हो ना, तो उसके लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि आपको उनको नोटिस करना होगा, सब उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो किस टाइम पे घर से बाहर आती हैं। जब भी वो घर से बाहर आए तो उसी टाइम आपको भी घर से बाहर जाना है, और आपको सिर्फ उन्हें देखना है, सिर्फ उनसे आई कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करनी है, और कोई भी गंदा इशारा नहीं करना है, या फिर उनको घूरना नहीं है, या फिर गंदी नज़र से नहीं देखना। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। कुछ दिनों तक, यानी 2 से 3 दिनों तक आपको कंटिन्यू ऐसा ही करना है। अगर आप इस स्टेप को अच्छी तरह से केयरफुली फॉलो करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो धीरे धीरे आपसे इंप्रेस हो जाएंगी और आसानी से आपसे पट भी जाएंगी। अगला पॉइंट है कि वो अगर आप पड़ोस में रहने वाली भाभी को पटाना चाहते हो तो आपको किसी भी बहाने से उनसे बात करने की कोशिश करनी है। और जब आप उनसे बात करते हो तो आप कोशिश करें कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके साथ वक्त बिताओगे तो क्या होगा कि वो आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि जब आप उनके साथ वक्त बिताओगे तो अपनी बातें आपसे शेयर करेंगी। अगर हो सके तो आप ये जानने की कोशिश करो कि उनकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड ज़रूर होंगी। अगला पॉइंट है कि पड़ोस पर रहने वाली भाभी को पटाने के लिए जब आप उनसे बात करते हो तो आपको उन्हें स्पेशल फील कराना है, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करनी है, ऐसा रियलाइज कराना है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो हद से ज़्यादा आपको, जब आप उनकी ज़रूरत से ज़्यादा केयर करने लगोगे ना, तो उनको ऐसे ही लगने लगेगा कि हाँ भाई, इसके लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस है, ये बंदा मुझे कुछ समझता है। तो इस तरह से भी वो आपसे इमोशनली अटैच होने लगी, उनको ना आपसे अट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो धीरे धीरे ना आपसे इम्प्रेस हो जाएंगी। तो इस तरह से भी स्टेप को आसानी से फॉलो करके आप आसानी से पड़ोस में रहने वाली भाभी को पटा सकते हो। अगला पॉइंट है कि पड़ोस में रहने वाली भाभी को पटाने के लिए आपको उन्हें लड़कियों की तरह ट्रीट करना होगा। जब आप उनसे बात करते हो या जब भी आप उनसे मिलते हो, तो आप उनके साथ ऐसा बिहेव करो कि वो एक लड़की है और आप एक लड़की से बात कर रहे हो। आप उनकी तारीफ भी कर सकते हो, जैसे कि शादी के बाद भी आप कितने यंग दिखते हो। अगर आपके सामने किसी लड़की को खड़ा कर दिया जाए ना, तो लड़की आपके सामने फेल हो जाएगी। इस तरह से आप कमेंट पास कर सकते हो। तो इस ऐसा करके भी आप उन्हें आसानी से पटा सकते हो जो आपके पड़ोस में रहती हैं। अगला पॉइंट है कि पड़ोस में रहने वाली भाभी को पटाने के लिए आप उनके साथ मजाक भी कर सकते हो, और मजाक के साथ साथ लॉन्ग लिमिट में रहकर ना फ्लर्ट भी कर सकते हो। तो जब आप फ्लर्ट करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लिमिट से बाहर नहीं जाना या लिमिट को क्रॉस नहीं करना, और इतना ही फ्लर्ट करना है जिससे उनको बुरा भी ना लगे और आपके काम भी हो जाए, आपकी बात बन जाए। तो इस तरह से भी आप आसानी से फ्लर्ट के जरिए भी पड़ोस में रहने वाली भाभी को आसानी से इजी तरीके से इम्प्रेस कर सकते हो, उन्हें पटा सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आप भी अपने पड़ोस में रहने वाली भाभी को पटाना चाहते हो तो इन सभी स्टेप को केयरफुली फॉलो करो, उन्हें पटा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।